वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। मैं आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले लाइव स्ट्रीम में बताया था कि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, जो एचपीएस का एग्जाम कराया गया था 16 अक्टूबर की। तो उसमें से दोस्तों जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, जो मेरे को लगे हैं, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन चेंज होने चाहिए, तो मैंने ऐसे 5 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं जो मेरे हिसाब से चेंज होने ही चाहिए पक्का, जिनको मैं प्रूफ के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा भी डेफिनेटली हो सकते हैं आपके डाउट्स हो सकते हैं, आपके अपने डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि आप मुझे कमेंट्स में बताइए कौन कौन से आपके हिसाब से, जिससे कि हम और लोगों से भी वो शेयर कर सकें, और जिससे कि ज्यादा के ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उस क्वेश्चन के चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम ज्यादा लोग प्रूफ्स के साथ करेंगे तो वो बेटर रहता है। तो इसीलिए अगर आपको इन 5 के अलावा भी कोई क्वेश्चंस लगते हैं जो कि आपके हिसाब से चेंज होने चाहिए, जिनके आंसर्स जो अयोगिक आंसर की है उसके हिसाब से, तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उनको शेयर करूंगा, पिन करूंगा, ठीक है। और लास्ट में आपको मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या कट ऑफ रहने चाहिए उसका भी एक अंदाजा दे दूंगा। ये मेरी कट ऑफ होगी जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, आपकी डेफिनेटली डिफरेंट हो सकती है, हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा। आप अपनी आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाली है वो कमेंट्स में जरूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ओपन फोरम में आप कोई भी अपनी जो भी आपकी एनालिसिस है उसके हिसाब से क्या रहनी चाहिए आप डेफिनेटली शेयर कीजिए। जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो तो देखो दोस्तों आयोगी बताएगा, पर हम एक एक्सपेक्टेशन अपने एनालिसिस के हिसाब से लिया है सेट ए से क्वेश्चन पेपर के। तो आप अपने अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, सेट के हिसाब से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो नंबर्स हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर्स, ये सेट ए के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से 5 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इनका प्रूफ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि ऑथेंटिक रहेगा, ठीक है, जो कि मैंने आइडेंटिफाई किया है अलग अलग गवर्नमेंट वेबसाइट से या ऑथेंटिक सोर्सेज से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन नंबर 5 सेट ए का, जो कि जल जीवन मिशन के बारे में दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये आंसर इसका चेंज होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है आयोग ने दिया है। तो आयोग ने दोस्तों इसका आंसर दिया है बी, यानी कि नन ऑफ द अबव, ठीक है। पर इसके अंदर क्या है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसके मतलब ये है कि नन ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट मींस ये सारे सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें ये जून की जगह जुलाई है, ठीक है। और ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा देता हूं। तो पीआईबी की वेबसाइट से लिया है मैंने ये, ठीक है। तो इसमें आप देख ही सकते हैं, पीआईबी की प्रेस रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, ये 2 मई 2021 की है। और इसके अंदर क्लियरली लिखा है कि हिमाचल ने कमिटमेंट किया अपना टारगेट को अचीव करने की बाय जुलाई 2022। तो वो जून नहीं है जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, ये जुलाई है, ठीक है। तो ये टारगेट ही पूछा था इसमें, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट फिर, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ही ऐसा है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, तो छोटी छोटी चेंज करके जो आंसर की बनाई है उसमें छोटे छोटे जो चेंजेस है ना क्वेश्चंस में, उनको लिया गया कंसिडरेशन में। तो ये डेफिनेटली चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन या तो डिलीट होगा, ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन के मार्क्स सबको दिए जाएंगे, ठीक है। तो यही दो ऑप्शन है ये इसके अंदर, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन ये सेट ए का है। जो आयोग ने इसका आंसर दिया है वो है ए, ए ओनली 3 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट ये है, ये भी ठीक है। इसके अंदर क्या दिक्कत है दोस्तों, ये 18.67 है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है ही, तो आयोग के सबसे तो सही होना चाहिए फिर। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना वो लास्ट वाली में भी है, ये जो फिगर है ना दोस्तों ये भी गलत है। तो ये जो स्टेटमेंट है 3 और 4 होना चाहिए, 3 और 4 अब ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो ये क्वेश्चन भी या तो डिलीट होगा, ठीक है, या सबको मार्क्स मिलेंगे जो भी आयोग करेगा। इसका ये प्रूफ है, ठीक है। द फूड प्रोडक्शन टारगेट फॉर 2021 इज 16.74, तो 16.35 लाख मैट्रिक टन नहीं है, 16.74 है। और ये मैंने कहाँ से लिया है, ये इकोनॉमिक सर्वे है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है हिमाचल की, ठीक है, 2020-21 का, उसमें ये फिगर दी हुई है, ठीक है। तो फोर्थ गलत हो जाता है, तो ये वाला भी इसके अंदर भी ये डिलीट होना चाहिए या सबको मार्क्स मिलने चाहिए।
ठीक है। और ये बाकी ये फिगर ये वाली तो सही थी, ये मैंने आपको बता दी, ये दोनों ठीक थी। 18.67 वाली जो गलत है ये बता दी, ये ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, ये ट्रिब्यून की, ठीक है। तो ये उसमें से दिया फर्स्ट अपना, यहाँ से सही है, ये थर्ड वाली गलत है। तो ये वाला भी चेंज डेफिनेटली होना चाहिए। अब ये तो बहुत मेरे को लगता है ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया आयोग की तरफ से। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है सी, जबकि इसका आंसर है ए। जॉर्जिया जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है यूक्रेन के साथ, ठीक है, बाकी ये तीनों करते हैं। मैं इसका तो प्रूफ क्या ही दूं, इसमें आप गूगल मैप्स का ही प्रूफ लगा देना, ठीक है। तो ये रहा इसके अंदर, देख लेते हैं, ये यूक्रेन है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी है, बेलारूस का बॉर्डर है ये, ठीक है, हंगरी का बॉर्डर है ये वाला, रोमेनिया का ये वाला, बट जॉर्जिया का नहीं है। तो जॉर्जिया का कोई बॉर्डर नहीं है, ये बीच में रशिया आ जाता है, रशियन लैंड है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ए होना चाहिए इसका आंसर, ना कि सी। फिर देख लेते हैं 83rd, ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, बहुत लोग डिबेट कर रहे हैं इसमें कि काजीरंगा में सिर्फ राइनोसरस हैं, राइनोसरस के लिए फेमस है। लेकिन दोस्तों ये इनमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको, पहले दो में, ठीक है, ए और सी में तो कोई डाउट नहीं है, ये तो टाइगर रिजर्व है ही। अब जो बी है काजीरंगा, ठीक है, ये ऑप्शन आयोग ने सही माना है इसे, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आप काजीरंगा जो है ये एक टाइगर रिजर्व है। तो भाई टाइगर रिजर्व है तो टाइगर रिजर्व 2006 में जब इसे डिक्लेयर किया गया है, ये काजीरंगा की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है कि ये टाइगर रिजर्व भी है। तो जब इनको 2006 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, तो ये आंसर नहीं, नॉट नोन फॉर टाइगर्स काजीरंगा कैसे हो सकता है फिर, तो ये हजारीबाग ही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा डी। ये मेरे को कोई रेफरेंस नहीं मिला, अगर आपको मिला है कि यहाँ पे टाइगर है, फेमस है टाइगर के लिए हजारीबाग, तो ये जरूर बताना मेरे को, ठीक है। और लास्टली देख लेते हैं 93rd, ये दोस्तों क्वेश्चन गलत है, ये एक्चुअली उल्टा दे दिया, यहाँ पे लूजेस की जगह गेन होगा, ठीक है, और यहाँ गेन की जगह लूजेस होगा, ठीक है। अब तो इसके हिसाब से बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसका आंसर है ए दिया है कि बोथ आर करेक्ट बट बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। और इसका ये प्रूफ ये है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, इफ यू आर ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड मतलब आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो यू गेन अ डे, एंड इफ यू आर ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड यानी वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं तो यू लूज अ डे, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है, ये एक जर्नल है साइंस का, बहुत ही फेमस जर्नल है, तो वहां की उनकी वेबसाइट से लिया मैंने। अब ये कहीं से भी ढूंढेंगे आपको इसका प्रूफ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें ज्यादा नहीं करा, क्योंकि ये मतलब दिख ही रहा है कि ये गलत दिया आंसर, दोनों स्टेटमेंट ही गलत है इसमें, ठीक है। तो ये 93rd वाला भी हो गया, ये वाला भी, इसके इसके अंदर हमारा ये गलत दिया है, इसको चेंज, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अब देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में दोस्तों, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये मैं आपको पहले से ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये मेरी प्रिडिक्शन है, आपकी डेफिनेटली अलग हो सकती है, आयोग की भी अलग हो सकती है, वो डेफिनेटली अलग हो भी सकती है, ठीक है ना, क्योंकि अपनी अपनी एनालिसिस है हमारी, फाइनल हमें आयोग ही बताएगा। तो अपनी एनालिसिस के हिसाब से, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ ये। तो पहली बात तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह रहे हैं लोग, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, आपने सुना होगा ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मेरे हिसाब से मॉडरेट नहीं है, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट कैटेगरी में ही आएगा सिर्फ, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन इन वन क्वेश्चन, अब आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन पूछ लिए हैं ज्यादातर, और इलिमिनेशन से भी नहीं निकल रहे हैं कई क्वेश्चन के आंसर, कि आपको दो पता है तो इलिमिनेट करके आप निकाल लो, लेकिन आपको चार क्वेश्चन पूछ लिए करंट अफेयर्स में स्पेशली, ठीक है, एक ही के अंदर चार करंट अफेयर्स पूछ लिए आपको, तो इसी वजह से डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता है। और जो इकोनॉमी पूछी है आपको वो स्टेटमेंट दे के, वो भी कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी, ठीक है। तो बाकी सारे सेक्शन इसके अंदर डिफिकल्टी थे, एक्सेप्ट मेरे को लगा पॉलिटी, जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, आर्टिकल नंबर पूछे गए थे, और जियोग्राफी, इन दोनों को सेक्शन को छोड़ दें। तो हिस्ट्री ले लो आप, हिमाचल के तो हमेशा ही टफ आते हैं करंट, जो हिमाचल की जीके के होते हैं वो तो टफ ही होते हैं, ठीक है। तो उन सबके सभी बहुत ज्यादा टफ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि इसमें साइंस भी आप जोड़ सकते हो, साइंस के मॉडरेट थे, साइंस के मॉडरेट थे, साइंस के इतने टफ नहीं थे। इकोनॉमी ले लो, इकोनॉमी के जैसे पूछे हैं
वो बहुत टफ थे, ठीक है। तो इस वजह से जो लेवल था पेपर का वो डिफिकल्ट ही रहा है। तो पिछली बार ही आई थिंक ये 100 के अराउंड गई थी कट ऑफ, 100 200, और इतनी ही रहती है, 102 105 एक ही बारी गई थी, 115 शायद 2018 या 19 में। उस समय पेपर का लेवल अलग था, वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे। अब एक ही के अंदर चार चार क्वेश्चन पूछे आपने, आप ये लगा लो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करें, कम से कम 300 कर लिए होंगे आपने मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। और सीट सीट इस बारी ज्यादा है, तो आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट में तो 29 सीट्स हैं इस बारी, और पिछली बारी आई थिंक 16 थी, उससे पहले 20 22 ही थी। तो मतलब सीट्स भी बढ़ गई हैं, तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, क्योंकि ज्यादा लोग मेंस के लिए पेपर लिखेंगे, क्योंकि जो आपका फिक्स परसेंटेज है 20 टाइम्स, तो वो तो बुलाएंगे ना वो, ठीक है। तो ये तो अब ये मेरे रीजंस हैं कि मेरे हिसाब से कट ऑफ पिछली बारी से कम क्यों जाएगी। तो ये ओवरव्यू है मेरी कट ऑफ, ठीक है। तो 95 ± 2 जानी चाहिए जनरल कैटेगरी की, और ईडब्ल्यूएस की सीट एक ही है मेरे ख्याल से, तो सेम ही रहनी चाहिए ईडब्ल्यूएस की, ज्यादा फर्क नहीं होगा जनरल के अंदर, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में ओबीसी एक या दो नंबर का हो सकता है, पर मेरे हिसाब से सेम ही जानी चाहिए। ओबीसी की 90 ± 2, और एससी ऑफ एचपी जो है इनकी 80 से 82 के बीच रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगेन ये मेरी अपनी एनालिसिस के हिसाब से आपकी डेफिनेटली अलग हो सकती है, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने मार्क्स भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन अलग जो आप बता रहे डाउटफुल है आपके हिसाब से, वो जरूर बताना मेरे को कमेंट्स में। उससे क्या होता है कि मैं बाकियों से शेयर करूंगा, उनका आपके कमेंट को पिन करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि उन लोगों को भी बेनिफिट हो। और जब सारे रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट कमीशन पे पड़ता है, और मतलब डेफिनेटली उस क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है कि आप ज्यादा लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको मतलब हो सकता है कुछ गलती है उस क्वेश्चन में, तो उसको ज्यादा अच्छे थरली चेक होगा वो, तो बेनिफिट रहेगा। तो कमेंट्स में जरूर बताना है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपका रिजल्ट अच्छा रहे, और तब के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे, हमेशा की तरह मैं ये कहूंगा, वीडियो अगर देखा ही है तो डेफिनेटली पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एज एक्चुअल रिवॉर्ड वही होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी।